हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड अल्टरनेटिव साइंसेज। आप सबका हमारे इस हीलिंग जंक्शन चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। बच्चे को जन्म देने के बाद अगर किसी फीमेल के स्तनों में दूध ना बने यानी ब्रेस्ट में मिल्क ना आए, ऐसी कंडीशन को एगेलिक्टिया कहते हैं, जिसमें महिला अपने बच्चे को दूध तो पिलाना चाहती है पर उनके ब्रेस्ट में दूध नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं ब्रेस्ट में रुकावट आ जाती है। सो कैसे करेंगे हम एगेलिक्टिया का उपचार एक्यूप्रेशर के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से, किस प्रकार से उस पॉइंट को लोकेट किया जाता है हमारे हाथों में और किस प्रकार से उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है, उसके बाद किस प्रकार से उन पॉइंट्स पे मैग्नेट्स को अप्लाई किया जाता है, यही सब चीजें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस भाग दौड़ के जमाने में एगेलिक्टिया की प्रॉब्लम आजकल बहुत सारी फीमेल में देखी गई है, जिसमें वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड तो करवाना चाहते हैं पर उनके ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आ पाता, उनके स्तनों में दूध नहीं आ पाता, दूध बन नहीं पाता और कोई ना कोई इस प्रोसेस में रुकावट आ जाती है। तो हमने इसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट एक्यूप्रेशर के सिंगल पॉइंट में देखा है। सो ये इफेक्टिव पॉइंट हमारे हाथ में बैक साइड पे आता है, यानी यांग साइड पे आता है, हमारे राइट हैंड की जो स्मॉल फिंगर है उसकी आउटर साइड में ये पॉइंट आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क किया है, जो हमारे स्मॉल फिंगर का ये जो कॉर्नर वाला एरिया है फर्स्ट जॉइंट के ऊपर ये पॉइंट आता है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट का नाम है SI1, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन का नंबर 1 पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसे मार्क किया है। ये पॉइंट बायलेटरल होता है इसलिए हमें दोनों हाथ में इसका उपचार करना होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे हाथ में जब देखने की कोशिश करते हैं, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसकी स्मॉल फिंगर का जो आउटर साइड है वहां ये पॉइंट आता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट जॉइंट के ऊपर ये पॉइंट आता है, जो हमारा नेल है नेल के कॉर्नर के साइड आउटर साइड ये पॉइंट आता है। इस पॉइंट का नाम है SI1, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट नंबर 1 है, ये क्लासिकल ओरिजिनल पॉइंट है। सो आप इस प्रकार से दोनों स्मॉल फिंगर पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं इस पॉइंट को। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है, जिसके लिए हम इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की जिम्मी लेंगे और उस पॉइंट पे हम प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे हाथ में भी स्टिमुलेट करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे रिलीज करेंगे। इस प्रकार से हमें दोनों हाथ में इस पॉइंट को एक्टिवेट करना है। इस पॉइंट पे हमें एनर्जी को घटाना होगा, जिसके लिए हमें सिडेशन के मैग्नेट्स का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें इस प्रकार के बियॉल मैग्नेट्स का इस्तेमाल करना होता है, जो एक साइड से वाइड होते हैं और दूसरी साइड से ये येलो होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे तरह से, ये बियॉल मैग्नेट्स है। सो हम यहां पे जो हमारी वाइट साइड है मैग्नेट की वो हमारी स्किन को टच होगी और जो येलो साइड है वो हमारी विजिबल होगी। आप देख सकते हैं जो येलो साइड है वो विजिबल है और वाइट साइड है वो हमारी स्किन को टच होगी, जिससे हम वहां की एनर्जी को हम सिडेट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से दूसरे फिंगर पे भी हम इस मैग्नेट को अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से ये येलो है, दूसरी साइड से वाइट है। हम सेम इसी प्रकार से दूसरी फिंगर पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे येलो जो मैग्नेट है वो बाहर विजिबल होगा, जो व्हाइट मैग्नेट है वो हमारी स्किन को टच होगा। इस प्रकार से हमने दोनों फिंगर्स पे सेम इसी प्रकार से मैग्नेट्स को अप्लाई किया। इन मैग्नेट्स को आप 8 से 12 घंटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को रात को अप्लाई कर सकते हो और सुबह इन पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। इन पॉइंट्स को रेगुलर स्टिमुलेट करने से और इन पे मैग्नेट अप्लाई करने से आप देखेंगे बच्चे को जन्म देने के बाद जिन महिलाओं को स्तनों में दूध नहीं आता, ब्रेस्ट में मिल्क नहीं आता है, वो आना शुरुआत हो जाती है। जो भी रुकावट है वो रुकावट निकलना चालू हो जाती है और उनको फिर से ब्रेस्ट मिल्क बनना शुरू हो जाता है, स्तनों में दूध बनना शुरुआत हो जाती है और स्तनों में फिर से दूध आने लग जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि बेबी का जैसे ही बर्थ होता है तो आप तुरंत ही पहले घंटे से उसका फीडिंग स्टार्ट कर दीजिए और फीडिंग जितना हो सके उतना रेगुलर बेसिस पे कीजिए, कोई भी सेशन मिस ना करें। अगर सेशन मिस हो रहा है तो आप खुद ही निप्पल को दबाकर ब्रेस्ट मिल्क को बाहर निकाल दीजिए, ताकि बॉडी को कंटिन्यूसली इस एक्टिविटी का सिग्नल मिलता रहे। इसके अलावा प्रॉपर लैचिंग करवाए, आप प्रॉपरली बेबी के मुंह में निप्पल को डाल के सही पोजीशन में रख के बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाए। तो ऐसी छोटी छोटी बट इम्पोर्टेंट चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। इस ट्रीटमेंट के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो अब इन पॉइंट्स को और इस ट्रीटमेंट को जरूर शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जो दूसरों की हेल्प करता है भगवान उनकी भी जरूर हेल्प करता है। हमने और भी ऐसी
बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाई है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप उनको जाके जरूर चेक कीजिए, शायद वो आपके या आपके किसी अपने के जरूर काम आ सकती है। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली मैं वीडियो आपकी कौन सी प्रॉब्लम पे बनाऊं, जिससे आपका और दूसरों का भी भला हो सके और जितना हो सके इस दिव्य ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। सो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।